हेलो एवरीवन, माय नेम कौशल, वेलकम बैक टू लेट्स सिंग अनदर वे। आज के हम करने जा रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ क्लास 10th आईसीएसई 10th। एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं, क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें क्या क्या आते हैं। मेनली कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है, नाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट मेनली हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें। अब ये जो चैप्टर है ना, वैसे तो जनरल नॉलेज पे मेजॉरिटी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। मैं बस बताऊंगा, एक बार बताऊंगा तुम्हें दिमाग में वापस आते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भैया प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है। ऑल तो हम लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत कर चुके हैं, बट फिर भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हम, मैं, तुम मतलब हम तो अभी, ऑल दो आई डोंट नो तुम्हारी एज क्या, बट अभी वोट तो नहीं डाल सकते ना, राइट। तो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, जो 18 प्लस लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स है, वो सब चीज़ें, ठीक है। इलेक्शंस, वोट डालेंगे, लोकसभा राज्यसभा, जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं बेसिकली, वो वाली वोट्स होंगी, एमपी की वोट्स होंगी, फिर लोकसभा। लोकसभा में इन इलेक्शंस के चलते जो मेजॉरिटी होंगी, 550 लोग इलेक्ट हो जाएंगे। अब उन 550 में जितने भी तुम्हारे आसपास लोग खड़े होते हैं, वो कोई ना कोई पार्टी के थ्रू खड़े होते हैं, राइट, ठीक है। कोई बीजेपी के थ्रू खड़ा, कोई कांग्रेस के थ्रू खड़ा, कोई आम आदमी पार्टी के थ्रू खड़ा है, मतलब उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे बेसिकली, राइट। कोई पार्टी तो होती है ना, तो 550 में से कोई एक ऐसी पार्टी होगी जिसकी मेजॉरिटी होगी, कोई एक ऐसी पार्टी होगी जिसकी मेजॉरिटी होगी, ठीक है। 270 280 के से ज़्यादा सीट्स जहाँ पे होंगी उसे हम मेजॉरिटी मानते हैं इन लोकसभा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, अब भैया प्रेसिडेंट, मेजॉरिटी जो पार्टी होगी ना, प्रेसिडेंट उन्हें बोलेगा, उस पार्टी को बुलाएगा कि आप, आपकी पार्टी में से कोई एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, कोई एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो जो कि पीएम बन जाए। तो प्रेसिडेंट पीएम बनाता है, राइट, बट ऐसा नहीं कुछ में, हाँ भाई इसको बना दो यार मेरा मन कर रहा है, नहीं, कोई पर्टिकुलर थीम होता है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, इसके थ्रू ही कर सकते। तो पीएम तो हमने यार देख लिया कि कैसे बनता है, बट यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी दिक्कत है जो बच्चों को आती है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को लिमिटेड नहीं है, अब सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, कि जो बोर्ड्स हैं ना उनसे डर, फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बोर्ड्स में कैसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हमारे सीनियर्स ने तो हमें बताया हुआ कि भैया बहुत घुमा फिरा के भाई क्वेश्चन आएंगे, तुझसे होंगे नहीं, मुझसे भी नहीं हुए थे, वहाँ पे आंसर क्या, वहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं समझ आता, लिखना गया है, तो समझ के चले जाएंगे, आता होगा लेकिन आंसर नहीं होता। और ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि प्रैक्टिस ही नहीं की होती कभी, पता ही नहीं होता हमें कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, सवालों को समझना कैसे है, क्योंकि स्कूल में तो वही पुराना फॉर्मेट चलता होता है मोस्ट केसेस में, और जो कोविड आया था उसके बाद हर साल फॉर्मेट बदल रहा है, सो उसकी वजह से वो जो बैलेंस नहीं हो पाता यार प्रैक्टिस और जो आंसर्स हैं उसका, ठीक है। तो इसी वजह से वी हैव पार्टनर्ड विद ओसवाल बुक्स, और उसकी स्पेशली ये जो 5 ईयर सॉल्व पेपर बुक्स है, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडीज़। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये देखो क्या है ना कि सबसे पहले तो इसमें लेटेस्ट पैटर्न है, लाइक तुम देख सकते हो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब सब्जेक्टिव आ रहा है, MCQs भी आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ना जो कि इसमें तुम्हें मिलेगा। और एक जो बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे लगी, बहुत सबसे अच्छी चीज़, कि इसमें ना जो चीज़ सिलेबस में नहीं है, PYQs में कुछ ऐसा चीज़ें भी होंगी ना जो इस साल सिलेबस में नहीं है, बिकॉज सिलेबस हर साल अब चेंज हो रहा है। सो अगर तुम 2019 का पेपर उठा लो और उसमें तुम्हें लगेगा कि आधे क्वेश्चन तो उनसे हो ही नहीं रहे, भाई साहब वो सिलेबस में ही नहीं है, तो इन्होंने बकायदा ऐसे मार्क, एस्ट्रिक मार्क लगाया हुआ है, सो तुम्हें पता लग जाएगा दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर, सिलेबस में नहीं है, डरने की बात नहीं है कि तुम्हें ये आता क्यों नहीं है। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग टू बूस्ट द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, ठीक है। उसके साथ इसमें तुम्हें माइंड मैप्स मिलेंगे जो मैंने बनाए, इससे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली राइटिंग भी अच्छी प्रिंटेड है एंड सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ठीक है। लिंक्स मिलेंगे जिससे तुम नोट्स वगैरह की तरफ जा सकते हो एंड सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, एग्जाम से पहले रिवीजन भी कर सकते हो। सो या आई वुड रेकमेंड दिस टू बाय, एंड अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय कर सकते हो। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरीके के मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या, ये जो 550 लोग हैं इन्हें हम मिनिस्टर बोलते हैं, तो ये काउंसिल है, एक काउंसिल बैठक है मिनिस्टर्स की, काउंसिल मतलब किसी को काउंसिल करना। 3 है कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सबसे नीचे जो सबसे लाइक एवरेज या फिर तुम कह सकते हो जिनको ज़्यादा वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है जिनके पास, डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स क्या है, असिस्टेंस के लिए रखे हुए, मतलब ये क्या करेंगे, बेसिकली हेल्प करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, दिस विल जस्ट हेल्प यू के यू नो कोई काम करने को, क्योंकि बड़े मिनिस्टर्स को उनके नीचे डिप्टी मिनिस्टर होता है। अब जैसे तुमने लास्ट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट है, उसे डिप्टी मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कि जब स्पीकर ना आए उसकी जगह पर डिप्टी स्पीकर स्पीकर की तरह एक्ट कर ले बेसिकली, तो ठीक है, उनका काम क्या, असिस्ट करना है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ भी समझ आ गई। अब उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर से ऊपर के लेवल के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये क्या है, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास मे बी और मे बी नॉट एक पोर्टफोलियो हो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, पोर्टफोलियो होता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई जैसे पूरे इंडिया का रेलवे सब, ऑल तो ये कैबिनेट में चले जाता है, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई मिनिस्ट्री होना, ऐसी कोई पोर्टफोलियो होना
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंपेरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब कोई बैठक वगैरह होती है उसका जो रिजल्ट आता है वो इन तक पहुँचते हैं और फिर ये एक्ट करते हैं अपने अपनी जगह पर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स तो भैया सबसे टॉप के लेवल, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर ज़्यादा होंगे नहीं, 12, 20, 25 जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इंचार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री। सबसे पहले तो कोई ना कोई मिनिस्ट्री के इंचार्ज होंगे ही होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन से, होम मिनिस्टर, रेलवे, ठीक है, ये अलग अलग पोर्टफोलियोज है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इसमें का पार्ट होंगे, डिफेंस मिनिस्टर्स का पार्ट होंगे, ऐसे जो बड़े बड़े हैं ना तुमने नाम सुने होंगे, ठीक है, तो वो वाली मिनिस्ट्रीज के पार्ट होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये कोई ऑल द रूल नहीं है कि सिर्फ यही होंगे, इससे ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, एक आध ऐड वगैरह भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अपनी मर्जी से। उसके बाद पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, अब वाई दे आर इंपॉर्टेंट हम पावर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, अब देखो इन्हें कौन बनाएगा हम आगे पढ़ते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, एक पर्टिकुलर पार्टी का, तो जो वो पार्टी का बंदा है, जो गवर्नमेंट जिसकी सरकार है, वो अपनी पार्टी के बंदे बनाएगा कैबिनेट के, तो जब अपनी पार्टी के बंदे बनाएगा वो एक सरकार बन गई, तो सरकार मेन कौन है, सरकार कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी मिनिस्ट्री थी वो सब इसमें आ गई, तो उससे क्या प्रूव होता है कि पूरी सरकार ही है, पूरी गवर्नमेंट ही है, तो ये जो पॉलिसीज लेंगे, ये जो चीज़ें करेंगे, वो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चीज़ें कर रही है, क्योंकि मोटा मोटा यही गवर्नमेंट है, ठीक है। मेजर जो जिन सबसे ज़्यादा पावर जिनके पास वेस्टेड है, प्राइम मिनिस्टर और दे काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो फिर इनमें क्या है, इनको हम जो भी ये पॉलिसीज़ करते हैं उनको हम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। अब भैया ये कैसे बनते हैं, देखो पीएम सिलेक्ट करता है और वो प्रेसिडेंट को बता देता है, प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर कर देता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो बनाते हैं, बट ही हैज़ नो राइट, ठीक है, ऑफिशियली ही हैज़ द राइट टू साइन एंड ऑल, बट पीछे से हमेशा पीएम ही करता है, एंड दिस इज, ऐसा नहीं कुछ इलीगल हो रहा है, यही है कानून में, ठीक है। तो ये होता है, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जब अपॉइंट करता है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स को, तो उसमें उनको दो ओथ लेनी पड़ती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, कौन सी, पहली तो ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ ऑफ ऑफिस एक ऐसी ओथ है जिसमें तुम्हें बेसिकली बोलना पड़ता है, एक ऐसा ओथ करनी पड़ती है कि तुम अपने ऑफिस के प्रति पूरे लॉयल रहोगे, लॉयल इन द सेंस के जो भी तुम्हें पोर्टफोलियो मिला, ठीक है, इनको कोई ना कोई तो मिला होगा ना, तो जो भी पोर्टफोलियो मिला तुम उसका काम अच्छे से करोगे, बिना कोई हिंड्रेंस के, बिना कोई रुकावट के, एंड अच्छे से काम करते रहोगे, कॉन्स्टिट्यूशनली काम करोगे, कोई भी इलीगल वे नहीं करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए चलोगे, बेसिकली ये सब चीज़ें। ऑफिस ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है, ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब कि आप देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स की ना अलग मीटिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं कि लोकसभा के बीच में ये बातें करते हैं सिर्फ, इनकी अलग मीटिंग्स होती हैं, इनकी मीटिंग्स अलग नहीं होती कुछ, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो होम, रेलवे, फाइनेंस, ये सब लोग आके बैठ के ना अलग एक अलग रूम में मीटिंग करेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ, और काफ़ी रेगुलर होती हैं, इनकी डे टू डे नहीं होती, इनकी डे टू डे होती है। तो जब ये होएगी तो अंदर की इतनी ज़्यादा मतलब सीक्रेट खबर कोई बाहर आके दे दे कोई मिनिस्टर, ठीक है, मजाक में भी बोल दे, किसी को बता दे, बवाल हो सकता है, क्योंकि देश के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं उस कमरे में, ठीक है, तो वो बाहर लीक, न्यूज़ लीक नहीं हो सकती, अगर वो कर दें तो गलत है, राइट। तो इसलिए ओथ ऑफ सीक्रेसी करी जाती है कि भैया बाहर खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, बेसिकली। दिया, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो है कब तक रहेंगे भैया, कब तक, क्या एक बार बन गए बने रहेंगे, ऐसे कैसे भाई। देखो ऑफिस में ये तब तक रहेंगे जब तक मेजॉरिटी है, अब ये मेजॉरिटी 5 साल तक भी बनी रह सकती है, जब तक फिर से इलेक्शन नहीं होते, और कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ जाता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया तो खत्म, टाटा, गुड बाय, गया लिटरली। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है कैबिनेट के खिलाफ, तो इन सभी मिनिस्टर्स का गुड बाय हो जाएगा, इनको रिजाइन करना पड़ जाएगा अगर पास हो जाता है। ऐसा नहीं किसी एक बंदा ने कहा जी नो कॉन्फिडेंस, उससे वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैसे होता है नो कॉन्फिडेंस, यू कैन वॉच इट। अच्छा भैया यहाँ तक हो गया, अब पावर्स और फंक्शंस क्या है कैबिनेट की, पावर्स और फंक्शंस क्या है कैबिनेट की, ठीक है, हम वो पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है, बच्चों को लगता है इतनी ज़्यादा, इतनी आसान है ना ये, बिना पढ़े भी तुम लिख सकते हो। कैसे, सबसे पहले है पॉलिसी मेकिंग। भैया पॉलिसी मेकिंग क्या चीज़ है, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या कहा था कि ये सरकार के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो भी पॉलिसीज़ वगैरह है ये बनाते कौन है, यही बनाएंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, ऑब्वियसली जो कैबिनेट है तुम्हारी वो बनाएगी, इसके मिनिस्टर सबसे मेन है ना, तो अपने अपने डिपार्टमेंट की ये बनाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, बना तो दी लोकसभा में, पास भी करवा दी, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे बताओ। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक तो तुम्हें मिनिस्टर्स के हेड चाहिए, ठीक है, अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि रेलवेज के एसोसिएटेड है, ठीक है, हम रेलवे में लेट्स से कह रहे हैं क्या बोलते हैं उसे कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, ये पॉलिसी आई, ठीक है, मान लिया, अब रेलवे मिनिस्टर्स भी अंदर ही है तो वो कॉपरेट करेगा, ऑब्वियसली उसने पॉलिसी बनाने में हेल्प करी है, ठीक है, वो भी पार्ट रहा है, तो रेलवे मिनिस्टर हेल्प करेगा, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। पर इम्प्लीमेंट करानी, अब उसके लिए
लोगों को जागरूक कराना है, कोई कुछ कराना है, वो कौन करा, वो कौन करता है, वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। अब सिविल सर्वेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। IFS होते हैं जो फॉरेन सर्वेंट्स होते हैं, एक होते हैं जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, ऐसे अलग अलग। तो वो भी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट सिविल सर्वेंट्स भी, सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो हेल्प, ठीक है, बेसिकली इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। अब देखो, कोई एक बिल है, कोई एक पॉलिसी है, उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता। अब लेट्स से जैसे मैंने तुम्हें रेलवे की एग्जांपल दी, डिफेंस की ले लो, होम मिनिस्ट्री की ले लो, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है, तुमने कोई मिनिस्ट्री करनी, अब इलेक्ट्रिफिकेशन करनी, पैसा लगेगा उसमें, फंड्स लगेंगे, फंड्स कौन एलोकेट करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मतलब तो फाइनेंस मिनिस्टर ये, अब आपस में अगर इनकी मिनिस्ट्री नहीं होती तो इनको अलग अलग बिठाना पड़ता, इनसे बात करनी पड़ती, फिर इनको इकट्ठे लाना पड़ता, सेम पेज पे लेके आना पड़ता है, बेसिकली वो सब चीज़ें करनी। अब एक में ही है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी जल्दी प्रोसेस होगा, स्मूथली होगा, और साथ में इनकी मतलब क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बनेगी, बॉन्डिंग होगी, के साथ में काम करने से होता है ना थोड़ा, तो उससे एक हेल्प होगी, फंक्शनिंग अलग अलग मिनिस्ट्रीज की साथ में हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, अब क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना, अब वो खुद तो करता नहीं, वो सिर्फ साइन करता है, तुम्हें पता है मेन पावर किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें भी मेन किसके पास है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही कान में बोलते हैं प्रेसिडेंट के कि भैया इसको अपॉइंट करो, इसको अपॉइंट करो, ठीक है। अब वो अलग अलग, चीफ जस्टिस हो गया, ठीक है, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस एंड ऐसे अलग अलग जो रोल्स हैं उन सब का हमने पिछले में पढ़ा था ना, क्या क्या ऑडिटर जनरल ये वो कौन कौन बनाता है, तो वो सब के पीछे कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। और कैबिनेट मिनिस्टर में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं हम प्राइम मिनिस्टर को भूल गए हैं, इनके बीच में ही है, ठीक है, बेसिकली। अच्छा भैया ये हो गया, उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। अब इंट्रो, वैसे तो बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं कर सकता, MPs कर सकते हैं, लेकिन 95% ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। ऐसे तो कुछ बिल्स राज्यसभा में भी खुलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेजॉरिटी की बात करो, 95% ऑफ द बिल्स। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 95% हर साल सेम रहता है, बट ऐसा देखा जाता है कि हर साल जनरली क्या होता है, इतने मतलब 95% ऑफ द बिल्स यही शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि 95% करने, बट करते हैं बेसिकली, ये होता है, कहाँ था मैं, हाँ। उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कोई सरकार के बारे में जानकारी लेनी है, कुछ लेना है, कोई पॉलिसी के बारे में जो इन्होंने बनाई है, ठीक है, उसके बारे में कोई सरकार कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है फॉरेन अफेयर्स के बारे में, तो वो जानकारी ऑपोजिशन को लेनी, किसी और को लेनी है, तो कौन देता है, वो देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, ये लिख सकते हो तुम। और भी काफ़ी कुछ लिखने को, बजट प्लस फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये तो मैं समझाऊंगा ही नहीं, ऑब्वियसली बजट मिनिस्टर बीच में, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर बीच में ही है तुम्हारे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के, तो ऑब्वियसली बजट जो एलोकेट होगा उसको बनाएगा कौन, कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाएगी, मेन कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, बट साथ में हेल्प कौन करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, बजट एलोकेट हो गया, सरकार को इतना बजट मिल गया लेट्स से, ठीक है, उसमें से फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, वो जो बजट है वो कहाँ कहाँ एलोकेट होगा, इतना बजट दे दिया सरकार को कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, वो किसे किसे किस मिनिस्ट्री को कितना कितना मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा, किस काम के लिए मिलेगा, अभी नहीं दे दिया कुछ भी कर लो, किस काम के लिए मिलेगा, तो वो सब चीज़ें भी यही फैसला करेंगे। जनरल इमरजेंसी, अब जनरल इमरजेंसी जो लगती है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट लगाते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बट असली में ऐसे ही नहीं लगा सकते, उन्हें रिटर्न कंसेंट चाहिए किसका, कैबिनेट, रिटर्न कंसेंट चाहिए किसका, कैबिनेट का, रिटर्न डिसीजन, रिटर्न कंसेंट, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई हमारे, क्या जो भी हमने पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े, अब इसमें दो आती रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या होती है, ये बच्चों को बहुत बोर करती है, बच्चों को समझ नहीं आती, कलेक्टिव इंडिविजुअल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ईजी है, मक्खन मक्खन, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसीजंस इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल कैबिनेट्स, मतलब कि जो डिसीजन इन्होंने लिया वो सब पे एप्लीकेबल है, कोई एक डिसीजन जो एक, ठीक है, लेट्स से पूरी मिनिस्ट्री ने कोई कहा कि हमने ये डिसीजन लिया, वो एक्ट हो गया, उस पर कुछ गलत हो गया, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सबकी है। अब लेट्स से बीच में से कोई, लेट्स से पांच बंदे थे, ठीक है, ऐसा नहीं कोई पांच नहीं होते, ज़्यादा ही होते मिनिस्टर्स, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पांच बंदे थे, उसमें से तीन ने तो कहा हाँ, दो ने मना कर दिया, अब वैसे मेजॉरिटी बन गई, ठीक है, हो गया पास, लेकिन वो दो ने तो मना किया ना, अब कोई उसका उल्टवार हो गया तो वो दो नहीं कह सकते देखा हमने तो कहा था, देखा हमने तो मना ही किया था, नहीं, वो दो को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अंदर अंदर जो मर्जी करो लड़ते रहो, बट बाहर तुम्हें कहना पड़ेगा कि इट वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन, तुम लड़ नहीं सकते कि हाँ भाई तुम फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते, उसने किया मैंने थोड़ी किया, उसने किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, चाहे तुमने मना भी किया हो अंदर ही अंदर, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए अगेंस्ट वन मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस पास हो गया कि ये कैबिनेट में नहीं है, तो पूरी कैबिनेट को ही रिजाइन करना पड़ेगा,
पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है एक मिनिस्टर की वजह से। तो एक मिनिस्टर अगर कैबिनेट के लिए अनफिट चूज किया गया तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी पढ़ते हैं हम कैबिनेट के मिनिस्टर्स की, नॉर्मल मिनिस्टर्स की भी, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन से आंसर देने पड़ते हैं। मतलब कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी में तुम लिख सकते हो कि भैया सरकार के लिए जवाब दे रहे हैं। इंडिविजुअल में मतलब कि अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी मतलब जवाब दे रहे हैं, कोई पॉलिसी अपने डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रही है तो उसके जवाब देने पड़ेंगे। अब अगर ब्रीच ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी हो, ठीक है, एक बंदे ने बाहर जाके खबर कर दी तो पूरे मिनिस्ट्री को थोड़ी निकाल दोगे, उस मिनिस्टर को निकाल दोगे। उसके बाद आता है पर्सनल लैप्स, कि अगर अपनी पर्सनली कोई गलती हो जाए तो वो अपनी गलती है, बाकियों को नहीं माना जाएगा। लेट्स से कोई ऐसी मिनिस्ट्री ने कोई गलत कर दिया, ठीक है, कोई बड़ा हादसा हो गया, कुछ हो गया, अब वो हादसा हो गया उसकी वजह से उस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी कैबिनेट ही रिज़ाइन करते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर वो कलेक्टिव सरकार की कोई पॉलिसी बनी वो बैकफायर कर गई तो पूरी को करना पड़े, मेबी नो कॉन्फिडेंस हो गया तो। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू हो गया जिसकी मैं एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो वो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है। अब रिज़ाइन करना पड़ेगा मतलब क्या होता है, क्योंकि फिर रिज़ाइन करना इन द सेंस पूरा प्रेशर डाला जाता है कि यू कांट वर्क, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर्स वगैरह होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो इक्वल टू प्रीएम्स पावर, इसमें तो 5, 6, 7, 8 जितने मर्जी पॉइंट्स बनाओ, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं इक्वल होती हैं पीएम की पावर। कैसे लिखोगे अब ये, कि भैया जो प्रेसिडेंट की पावर, कोई भी एक याद करो, ठीक है, ही कैन मेक दीज अपॉइंटमेंट्स। कौन बनाता है उनकी अपॉइंटमेंट, लेट्स से अगर कह लो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द विद द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है, विद द मेन कंट्रोल ऑफ पीएम, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसे जितनी भी पावर्स हैं तुम वो उसमें लिख सकते हो कि भैया ये पीएम के थ्रू ही होती हैं असलियत में। लीडर ऑफ द कैबिनेट, अब प्राइम मिनिस्टर लीड कैबिनेट का लीडर है जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो वो एक पावर है, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कैबिनेट को गवर्न कौन करेगा, चलाएगा कौन, पीएम। उसके बाद क्या है, एलोकेट्स पोर्टफोलियोज। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स, ठीक है, एक तो है कि कैबिनेट में कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा अपॉइंट, सिलेक्ट कौन करेगा, पीएम सिलेक्ट करेगा। अच्छा, ये मिनिस्टर को मैंने कैबिनेट में लेके आना है। अच्छा, मिनिस्टर को कैबिनेट में तो ले आए, उनको निकालना होगा, कभी ना बने तो डिसमिस भी कर सकता है, पीएम कर सकता है, ठीक है। अगर कोई कैबिनेट, अच्छा अब वो आ गए हैं, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है ये कौन डिसाइड करेगा, पीएम डिसाइड करेगा। तो चलो लोगों को मिनिस्ट्री भी दे दी, अब यार ये ठीक नहीं लग रहा, इससे ये मिनिस्ट्री लेके और इससे ये मिनिस्ट्री लेके एक्सचेंज कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है, तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ पीएम। अगर पीएम ने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से तो पूरी कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर पीएम ने रिज़ाइन किया उसका मतलब है पूरी कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया, बिकॉज ही वॉज द लीडर ना, तो लीडर ही चला गया, पूरी टीम गई बेसिकली। ये स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट सरकार के लिए बोलता है, ठीक है, कोई दूसरे देश में जाके अगर कोई पीएम बोल ले, ठीक है, इंडिया का पीएम कुछ बोल रहे हो तो उसका मतलब है देश बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है। फॉरेन पॉलिसीज कौन कंट्रोल करता है, पीएम कंट्रोल करता है, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हो रही है। उसके बाद है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग मतलब कि क्या क्या नीति बनानी है, नीति मतलब फ्यूचर प्लान्स वगैरह बनाने, 5 साल के जनरली होता है। एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ओपनहाइमर, एनीवेज, ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और ये चीज़ होना, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन वगैरह हैं कौन है, पीएम होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नाम, जो भी पीएम बनेगा वो ये बन जाएगा, चेयरमैन अप ही बन जाएगा बेसिकली। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ आया कौन सा चैप्टर अगला चाहिए, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए वीडियोज़ जल्दी आ रही हैं, तुमने मुझे बोला था तो आ जाएंगी, नो डाउट। डोंट फॉरगेट टू बाय दीज ओसवाल बुक्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, 5-year क्वेश्चन पेपर बाय कर लेना। Yep, this is it. I'll see you in the next one.